चलिए सभी अपने हाथ जोड़े आंखें बंद करें और प्रतिदिन की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईश्वर का वंदन करेंगे, ईश्वर का स्मरण करेंगे। क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड रिपीट आफ्टर मी। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, आओ पेड़ लगाए, जिसके हम लोग शब्दार्थ, श्रुतले और तीन प्रश्न कर चुके हैं, है ना। आज हम आगे के प्रश्न करेंगे, ठीक है। तो सभी अपनी अपनी क्लास वर्क कॉपी निकालिए, है ना, और अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। आपने जो प्रश्न उत्तर लिखे थे आप उसी के नीचे लिख सकते हैं, है ना। तो प्रश्न चार लिखूंगी अब मैं। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, है ना। हमने बताया था ना, पेड़ अपना सारा भाग हमें दे देता है, फल देते हैं, फूल देते हैं, है ना, उसके बीज भी काम आते हैं, उसकी पत्तियाँ, उसकी टहनी, है ना, हर चीज़ हमारे काम में आती है। तो पेड़ हमें क्या क्या देते हैं, अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। हवा, छाया, ऑक्सीजन, ये सारी चीज़ें हमें पेड़ देते हैं, है ना। तो हम लिखेंगे, चलिए। Thank you.
धूली है ना, हवा, छाया, लकड़ी आदि चीजें देते हैं, प्राण वायु ऑक्सीजन भी देते हैं। अभी मैं इसके नीचे ही अगला प्रश्न का पता
वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके हमेशा रखिए ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगला प्रश्न लिखवा रही हूँ, है ना। आखिरी प्रश्न बचा है कि हमें कौन सी गलत राह का त्याग करना कर देना चाहिए और क्यों, है ना। हमें पेड़ों को काटने की गलत राह का त्याग कर देना चाहिए, जो लोग भी काट रहे हैं उन्हें हमें समझाना चाहिए, इसलिए क्योंकि पेड़ क्या है, प्रकृति के गहने हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, बारिश लाने में मदद करते हैं, हरियाली करते हैं, छाया करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि वो हमें प्राण वायु ऑक्सीजन देते हैं, अगर वो ही नहीं होंगे पेड़ तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और हमारा जीवन असंभव है, है ना। तो अगर कहीं भी ऐसा होता है तो हमें रोकना चाहिए। तो चलिए मैं आखिरी प्रश्न लिखूंगी, बोर्ड पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमें कौन सी गलत राह का त्याग कर देना चाहिए और क्यों? Thank you.
केवल तीन ही लिखा है बेटा, अभी के अभी कंप्लीट करना है ना, और छोटे छोटे आंसर है, लिख लो जल्दी। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। बाय बाय।